नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग 0 to 9 और मैं हूं आपका होस्ट एम के वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है हिस्ट्री के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड द रिमेन्स ऑफ अ जैन स्तूप। निम्नलिखित किस स्थान से जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो मेंशनड inscriptions of Mauryan times provides details related to feminine relief means निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर है महास्थान अभिलेख, यानी कि महास्थान inscriptions। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द इलिप्टिकल टेम्पल बिल्ट एट द फॉलोइंग साइट ड्यूरिंग 3rd-1st century BC वाज डेडिकेटेड टू नागा कल्ट। तीसरी पहली सती ईस्वी पूर्व में निम्नांकित स्थलों पर बनाए गए अंडाकार मंदिरों में कौन सा नाग संप्रदाय को समर्पित था? तो इसका आंसर है सोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अप्लाइड द थ्योरी ऑफ फ्यूडलिज्म फॉर द चोला स्टेट। चोल राज्य के लिए सामंतवाद के सिद्धांत को किसने लागू किया? तो इसका आंसर है आर.एन. नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिजदा थ्योरेटिकली मीन्स सैद्धांतिक रूप से सिजदा का अर्थ क्या है? प्रोस्ट्रेशन बिफोर गॉड मीन्स ईश्वर के सम्मुख दंडवत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सुल्तान प्रोहिबिटेड मुस्लिम वुमेन फ्रॉम वर्शिपिंग एट द ग्रेव ऑफ द संत। महिलाओं द्वारा सूफी संतों की कब्रों को पूजने पर निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पाबंदी लगा दी थी? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट बिलोंग टू कश्मीर। इनमें से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर है हिंदू शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोवा एंड कोंकण रीजन्स वर एनेक्स्ड टू द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में गोवा और कोंकण के क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था? तो इसका आंसर है हरिहर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कार्टेज इन द मेडिएवल पीरियड स्टूड फॉर। मध्यकाल में कारताज से क्या तात्पर्य था? तो इसका आंसर है पुर्तगीज परमिट फॉर सी ट्रेड, समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगालियों को परमिट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्रा ड्यूरा अ डॉक्ट्रेटिव स्टाइल was adopted in the Mughal architecture from the region of। पिट्रा ड्यूरा एक सजावटी शैली को मुगल वास्तुकला में किसके राज्यकाल में अपनाया गया था? इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल रहीम खाने खाना
made important architectural contribution at अब्दुल रहीम खाने खाना ने कहां की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका आंसर है बुरहानपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ बहावी मूवमेंट. इनमें से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर है सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, रायबरेली के सैयद अहमद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विद ब्लू वाटर नीति. इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है डी अल्मेडा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया. इनमें से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? तो इसका आंसर है बकिम चंद्र चैटर्जी, इन्होंने ऐसा कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1834 वन ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्ड ऑन द फेमिने दैट द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. 1834 में इनमें से अकाल के बारे यह किसने कहा था? जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही है. तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलियोलिज्म एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वर द साइलेंट फीचर ऑफ बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शेष. इनमें से किसकी मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर है मर्चेंटिलिज्म, मींस वाणिज्यवाद. द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ मालाबार वर नोन एज. मालाबार के मुस्लिम किसानों को क्या कहते थे? तो इसका आंसर है मोपला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेवोल्यूशनरी लीडर ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनमें से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो इसका आंसर है लाल मोहन घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलडम हैज बीन टेकन फ्रॉम. राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द इनमें से किससे लिए गए हैं? तो इसका आंसर है मुंडका उपनिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेरग्यूसन कॉलेज एट पुणे वाज फाउंडेड इन 1885 बाई फगर्सियन कॉलेज. पुणे की स्थापना 1885 में किसने की थी? तो इसका आंसर है द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Whom Gandhiji selected as the first satyagrahi to launch the individual satyagraha in October 1940 में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The command of Indian National Army was given to Subhas Chandra Bose in. Indian National Army की कमांड Subhas Chandra Bose को कब सौंपी गई थी? तो इसका आंसर है 1943, यानी कि 1943. Next question is,
India took a very strong anti-West stand during which one of the following? भारत ने निम्नलिखित में से किस में कठोर पश्चिमी विरोध रुख अपनाया? तो इसका आंसर है स्वेज कैनल क्राइसिस, मींस स्वेज नहर संकट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लीडर अमंग द फॉलोइंग सेड कश्मीर एक्सेडेड टू द इंडियन यूनियन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नीड। इनमें से किस नेता ने कहा था कि कश्मीर आर्थिक आवश्यकता के कारण भारत संघ में सम्मिलित हुआ? इसका आंसर है शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूटोपियन सोशियोलिस्ट। इनमें से कौन सा यूटोपियन समाजवादियों से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रेडरिच एंजलस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग 0 to 9।